कि फ़िरोज़ाबाद की जो कांच का सामान है वो मतलब कांच की चूड़ियाँ जो है वो सारी दुनिया में मशहूर हैं। तो आज पहले दिन मतलब मुझे पता चला है कि पहली बार ये संस्कृति मेला भी हुआ है और मुझे शिरकत करने का मौका मिला है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उत्साह आप देखो कि यंगस्टर में जब अच्छे गाने सुनने का उत्साह होता है ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं ना गन कल्चर गाता हूँ, ना मैं ड्रग गाता हूँ, ना मैं बदमाशी वाले गाने गाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जो है मुझे सुन लेते हैं ना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की। पठान मूवी को लेकर क्या कहेंगे? पठान मूवी अच्छी चल रही है, बढ़िया अच्छी बात है। वो तो सिनेमा है सर, सिनेमा कभी चलता है कभी फ्लॉप होता है कभी चलता है। जैसे बाइकॉट पे क्या कह सकते हैं सर, ये तो जिन्होंने बाइकॉट करना है फिर भी चल जाती है फिल्म, तो इस पे भी क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो तमाम फिल्मों में जो धर्म के प्रति तमाम धर्मों के वो होता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? धर्मों को देखो, धर्म जो है ना हमारे देश की एक बुनियाद भी है, धर्म से बंधे हुए हमारे लोग हैं, हमारा देश है। मगर मैं आपको बताऊँ, हर धर्म जो है ना वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। किसी भी धर्म में तोड़ने की बात नहीं की जाए। आप गुरबानी की बात कर लो, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जो भी आप धर्म लोगे वो जोड़ेगा आपको, प्रेम सिखाएगा, मोहब्बत सिखाएगा। और मुझे लगता है कि मोहब्बत में ही रहना चाहिए। इंसानियत का धर्म जो है ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं मानस की जात सब है एक है पहचान, वो सबसे बड़ा धर्म। उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में हमेशा ही मज़ा आता है, ये बहुत स्वाद आया, बहुत अच्छा लगा। कि खास करके मैं जो पहले बोला कि बच्चों को जब मैं देखता हूँ कि वो नाचते हैं पुराने गानों के ऊपर भी और अच्छी मेलोडी के ऊपर भी, तो अच्छा लगता है। और खास करके इस प्रशासन के लिए मैं बहुत अच्छी एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कि उन्होंने संस्कृति को साथ में ले गए। जैसे ओडिसी डांस है या मथुरा का जो कृष्ण महाराज जी के जो गाने हैं वो भी करवाए, और ये पॉप भी चलो लोग संगीत भी करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी संस्कृति को संभाल के रखना चाहिए। सरकार जगह जगह कार्यक्रम करा रही है इस तरीके की, सभी जगह तमाम कलाकार आ रहे हैं जी। क्या कहेंगे यूपी के भी तैयारियाँ चल रही है? अच्छी बात है, संस्कृति को सर बढ़ाना चाहिए। हमारी संस्कृति इस दुनिया की सबसे अमीर संस्कृति है, इसको बढ़ाना ही चाहिए। इसमें बहुत सारे और क्या रहेगा कल महोत्सव? देखिए, फिरोज़ाबाद महोत्सव का शुरुआत हो चुका है 27 फरवरी से, और आज बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस था पब्लिक की तरफ से। कल तृप्ति शाक्या एक मेन इवेंट है जिसमें तृप्ति शाक्या हैं और आ रही हैं, और दूसरा इसके अलावा जो हमारे लोकल फिरोज़ाबाद के आर्टिस्ट हैं उनका भी परफॉर्मेंसेस होंगे, और कुल मिलाकर एक अच्छा थर्ड डे रहेगा हमारा, ऐसी उम्मीद है। क्या नाम है आपका और यहाँ आए हैं? सर, मेरा नाम दीक्षा है और ये मैं फिरोजाबाद जिला से बोल रही हूँ। यहाँ मेला पहली बार लग रहा है इसमें, पर इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, और यहाँ में कई कलाकार आ रहे हैं फिरोजाबाद में, जैसे गिल और कैलाश खेर आ रहे हैं 1 तारीख को, सब आइए, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले भी लगे हैं, आप सभी आके देख सकते हैं, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए।